हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मेकजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहां पर UPPSC AE के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट, जैसे कि उसमें पूछा जाएगा कि 25 क्वेश्चंस के आपके पेपर होने हैं हिंदी के। हिंदी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत होती है या मैं कैसे बताता हूँ प्रश्न, आपको कुछ नहीं समझ में आता, मैं व्याख्या करता हूँ, ठीक, तो आप जाके उसको वीडियोज में देखिए, वहाँ से आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना आज अगला प्रैक्टिस सेट लेके आए, चौथा। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मैं क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दूंगा, उसके ऑप्शन लिखूंगा कि आपको करने क्या है, क्वेश्चंस मैं बोलूँगा, आप भी करिए, आप भी अपने को परखिए कि आप क्या जानते हैं। ठीक है, फिर मैं उत्तर आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में आपको योग रूढ़ शब्द, ठीक, हमने बताया था रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, ठीक, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। तो ये जो प्रश्न है हमारा, इसमें आपको बताना है कि इनमें चार ऑप्शन होंगे आपके सामने, बताना है कि इसमें योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक, ऑप्शन देखिए आप लोग, पहला है विशालकाय, विशालकाय, दूसरा है पुष्प, तीसरा है कुमुदिनी, कुमुदिनी, ठीक, और चौथा ऑप्शन है आपके पास जलज। ठीक, इन चारों में बताना है कि इसमें योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था आपको, तो योग रूढ़ शब्द हमने बताया था, तो उसमें बताया था कि योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ विशेष हो जाता है, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, विशेष हो जाता है, यानी कि वो क्या करते हैं कि एक विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं, ठीक, या तीसरे अर्थ की ओर, यानी कि जैसे बहुव्रीहि समास में होता है, अगर आप लोगों ने जो वीडियो देख रहे हैं किसी ने पढ़ा हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, चारों ऑप्शन में जो जलज है, चौथा ऑप्शन हमारा, जलज का मतलब क्या होता है, कमल, ठीक। तो इन चारों में क्या होगा, जो जलज होगा वो क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द, ठीक। फिर अगला आपको दूसरा प्रश्न है, इसमें भी आपको क्या बताना है, योग रूढ़ शब्द ही इसमें बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास, देखिए क्या क्या है, चक्रपाणी, चक्रपाणी, ठीक, पाठशाला, उपचार और अभिव्यक्ति, ठीक। तो देखिए, इसमें चक्रपाणि किसको बोलते हैं, चक्र है पाणि अर्थात हाथ में जिनके, अर्थात कौन, विष्णु भगवान। तो यहां पर ये शब्द क्या हो रहा है, एक विशेष अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं, तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इसलिए जो चक्रपाणि होगा इसमें वो क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या आप कह रहा है, इसमें इसमें भी आपको योग रूढ़ शब्द ही बताना है। इसके चार ऑप्शन है आपके पास, पहला है योद्धा, दूसरा है दशानन, तीसरा है राक्षस और चौथा विकल्प है आपके पास, चौथा विकल्प है सुर, ठीक। तो इसमें आप बताइए, इसमें देखिए जो दशानन है, दस है आनंद जिसके, अर्थात दस सर जिसके हैं, कौन,
रावण, ठीक, तो इसमें भी एक विशेष अर्थ तीसरा अर्थ बता रहा है ना, तो इसमें योगरूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा, दशानन, ठीक। फिर अगला प्रश्न आप लोग देखिए कि जो हमारा घुड़सवार शब्द है, घुड़सवार, जो घुड़सवार शब्द है आपको इस प्रश्न में बताना है कि वो किस तरह का शब्द है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो देखिए दोस्तों, जो घुड़सवार है दो शब्दों से मिलकर बना है, घुड़ और सवार, लेकिन इसका अलग कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। और जो घुड़ और सवार है, इन दोनों का जब हम खंड करते हैं तो इनका भी अपना अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए जो ये घुड़सवार होगा किस तरह का शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पांचवा प्रश्न वर्णों के क्या है, प्रश्न आप लोग देखिए कि वर्णों के उस समूह को जिसका वर्णों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक। चार ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है वर्ड, तीसरा ऑप्शन है वर्ण समूह और चौथा ऑप्शन है आपके पास वक्तव्य, ठीक। तो आपको बताना है वर्णों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको शब्द पढ़ाया था, तो शब्द की परिभाषा बताई थी कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक मेल हो या जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला शब्द, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आपको बताना है कि इन चारों में आविकारी शब्द कौन सा है। चार विकल्प हैं आपके पास, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण। हमने शब्द पढ़ाया था आपको, तो बताया था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक। विकारी चार तरीके के और अविकारी भी चार तरीके के, वहाँ पे आप जाके देखिए। तो इसमें बताना है आपको कि अविकारी शब्द क्या है। तो जो विकारी शब्द होता है वो चार तरीके का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अविकारी शब्द जिसको हम लोग अव्यय भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द अव्यय, ऑप्शन तीसरा, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है आपसे, इसमें आपको बताना है योगरूढ़ शब्द, इन चारों में आपको बताना है, चार ऑप्शन है आपके पास, पीला, घुड़सवार,
लंबोदर और नाक। ठीक, तो इन चारों में आपका योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थ है गणेश जी, तीसरा अर्थ बता रहा है। ठीक, फिर अगला प्रश्न आप लोग देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें आपको क्या बताना है, विकारी शब्द। इन चारों में आपको बताना है कि इसमें विकारी शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है इधर, तीसरा ऑप्शन है उधर, चौथा ऑप्शन है यहाँ। तो विकारी शब्द कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो यहाँ पर विकारी शब्द कौन सा हो जाएगा? हाथी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शब्दों के वर्गीकरण का, शब्दों के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या होता है? ठीक, आप देखिए चार विकल्प हैं आपके पास, चार विकल्प हैं अर्थ, दूसरा विकल्प है रचना, तीसरा विकल्प है उद्गम और चौथा विकल्प है ये सभी। ठीक, अर्थ, रचना, उद्गम, ये सभी। तो जो शब्दों के वर्गीकरण का आधार होता है वो इसमें से तीनों तरीके से होता है, अर्थ के आधार पर भी, रचना के आधार पर भी, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर भी। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला, ये सभी। ठीक, अपना अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें आपको बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। इसमें आपको रूढ़ शब्द बताना है, चार विकल्प हैं आपके पास, पंकज, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है जलज और चौथा है, चौथा ऑप्शन है आपके पास कमल। ठीक, इसमें आपको रूढ़ शब्द बताना है। तो इन चारों में रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा जिनका हम लोग, रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो वर्णों के योग से बनते हैं और फिर जो वर्णों के योग से बना शब्द होता है उनका हम लोग खंड कर दें तो उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले। तो यहाँ पर जो कमल शब्द है ये क्या हो जाएगा आपका? रूढ़ शब्द। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में विकारी शब्द कौन सा है। ठीक, चार विकल्प हैं, आज, लड़का, इधर और परंतु। इसमें आपको बताना है विकारी शब्द इनमें चारों में कौन सा है। तो इसमें कौन सा है विकारी शब्द? लड़का, संज्ञा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि शब्द हो क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं? चार विकल्प है आपके पास। ठीक, स्वर व व्यंजन का मेल, व्यंजन का मेल। ठीक, दूसरा विकल्प है ध्वनियों के
मेल से बना सार्थक सार्थक वर्ड समुदाय। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन है स्वरों के मेल से बना, और चौथा विकल्प है आपके पास सार्थक व निरर्थक के मेल से बना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। आपका विकल्प कौन सा? दूसरा वाला। ठीक, फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई होती है, कैसी इकाई होती है? चार ऑप्शन है आपके पास, पहला स्वतंत्र, दूसरा सार्थक, तीसरा ए व बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा शब्द होता है वो क्या होता है कि भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई होती है, अर्थात जो आपका विकल्प है दूसरा वाला ए व बी दोनों वो सही हो जाएगा। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सब, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले जो वर्ण समूह होते हैं, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले जो वर्ण समूह होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? चार विकल्प है आपके सामने, इन चारों में बताना है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले जो वर्ण समूह होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर ध्वनि वर्ण या शब्द। तो जो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला वर्ण समूह होता है, ठीक उसी को हम लोग शब्द बोलते हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि जो सामान्यतः शब्द जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक, आपके पास चार विकल्प हैं, पहला चार तरीके का, दूसरा दो तरीके का, तीसरा पांच तरीके का, और चौथा तीन तरीके का। इसमें आपको बताना है कि शब्द जो है वो सामान्यतः कितने तरीके के होते हैं। तो जो शब्द होता है वो सामान्यतः दो तरीके के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, अर्थात आपका जो विकल्प दूसरा है वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो शब्द होता है, रचना के आधार पर शब्द जो होता है उसके कितने भेद होते हैं। तो जो रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वो तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, 17वां। इसमें क्या कह रहा है?
आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद नहीं है। चार विकल्प हैं आपके सामने, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा या कोई नहीं। ठीक, तो जो उत्पत्ति के आधार पर होता है, मैंने आपको बताया था कि शब्द के चार प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो संज्ञा होता है वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द का प्रकार नहीं होता, प्रयोग के आधार पर शब्द का प्रकार होता है, वो भी विकारी शब्दों में। ठीक, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था शब्द को वर्गीकृत करना, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर, आप बताइए पहले फिर मैं बताता हूँ, उत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है कि जो शब्द होता है उसके कितने भेद होते हैं। दो, तीन, चार या पांच। तो जब मैं आपको शब्द पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। संकर एक भेद आप कई लोग मानते हैं, लेकिन संकर उसका भेद नहीं होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर से अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में कि इनमें योगरूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक, देखिए चार विकल्प है आपके सामने। पहला है घर, दूसरा है मुंह, तीसरा है पीतांबर और चौथा विकल्प है आपके सामने सामाजिक। ठीक, इनमें आपको बताना है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा होता है। ठीक, तो योगरूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला, यानी कि पीतांबर। पीत है अंबर जिसका, यानी कि जो पीला वस्त्र धारण करे, अर्थात कौन? श्री कृष्ण जी। तो अलग अर्थ बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा विकल्प? तीसरा वाला, पीतांबर। चौथा आप देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, बीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार जो हमारे विकारी शब्द होते हैं उससे जो चार हमारे विकारी शब्द होते हैं उससे संबंधित एक भेद नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो जो विकारी शब्द चार होते हैं कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है वो इसका प्रकार नहीं होता, तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कि जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं? चार विकल्प है, अविकारी, दूसरा है विकारी, तीसरा विकल्प है देशज
और चौथा विकल्प है आपके पास तद्भव, तद्भव। ठीक, तो जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता उनको हम लोग अविकारी शब्द बोलते हैं। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्यालय जो है, विद्यालय, विद्यालय शब्द जो है वो कैसा शब्द है, बताना है। रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या देशज है। ठीक, तो देखिए विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और आलय, इनके खंडों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ठीक, इसलिए ये कैसा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक कैसा शब्द है। चार विकल्प हैं आपके सामने, बताना है आपको। रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं। तो जो पुस्तक है हमारा उसका अगर आप ये कैसे बनाए, वर्णों के योग से बनाए, और अगर इसका आप खंड करेंगे तो इनके वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये कैसा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जो जलज शब्द है, जलज, ये कैसा शब्द है। चार विकल्प हैं आपके सामने, बताना है। रूढ़ है, यौगिक है योग रूढ़ है या कोई नहीं। तो जो जलज होता है वो आपका कैसा शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो भारतेंदु शब्द है, भारतेंदु, ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला भारतेंदु, भारतेंदु कैसा शब्द है आपको बताना है। इसमें भी चार ऑप्शन है, रूढ़, यौगिक कि योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो जब हमने आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पढ़ाया था तो वहां पर भारतेंदु का मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था। तो जो भारतेंदु होता है वो कैसा शब्द होता है हमारा, योग रूढ़ शब्द। ठीक, तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है 25 क्वेश्चनों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।